हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में चिली पनीर बनाने का बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग तरीका शेयर करने वाली हूँ। हम पनीर को फ्राई नहीं करेंगे, ना हम इसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा यूज़ करेंगे। द बेस्ट पार्ट इज ये 5 मिनट में बन जाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हो या आपको खुद को शाम को कुछ खाना हो चटपटा, तो आप ये इजिली बना सकते हैं। यहाँ मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसको ये मैंने होममेड पनीर लिया। आप बाजार का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, मन चाहे शेप में आप काट लीजिए, चाहे तो क्यूब्स कर लीजिए या रेक्टेंगल सिलेंड्रिकल शेप में आप इसे कट कर लीजिए। एक पैन में, नॉन स्टिक पैन मैंने लिया है, जिसमें कि 1/2 टीस्पून, बिल्कुल आधी चम्मच तेल मैंने लिया है, और इन पनीर के क्यूब्स को मैं ग्रिल कर लेंगे इस पैन के अंदर। पनीर की क्यूब्स हम थोड़े थिक ही रखेंगे, मोटा ही काटेंगे, और इसको इस तरह से पलट पलट के हम सेक लेंगे चारों तरफ से, जब तक ये बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्प नहीं हो जाते बाहर से, और अंदर से ये सॉफ्ट ही रहेंगे क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, चारों तरफ से अच्छा गोल्डन और क्रिस्प हो गया है। उसी पैन में मैंने आधा चम्मच तेल और डाला है, साथ में मैंने डाल दी है लाल पीली हरी शिमला मिर्च। आप सिर्फ हरी शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप चाहें तो एक स्लाइस किया हुआ, क्यूब किया हुआ अनियन भी डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने हिसाब से ही डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि सॉस भी हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर, तो उसमें भी नमक होता है। ये मैं चिली गार्लिक सॉस यूज़ कर रही हूँ नेचुरन का। आप चाहें तो शेजवान चटनी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ये सॉस नहीं हो अवेलेबल। शेजवान चटनी इजीली मार्केट में अवेलेबल है, हमारे घर में भी रखी होती है यूजुअली। तो यहाँ मैंने सोया सॉस डाला है 1/2 टीस्पून, और शेजवान चटनी डाली है ऑलमोस्ट 1.5 टीस्पून। अब हम इसमें डाल देंगे रोस्ट किया हुआ पनीर, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि मसाला पूरा अच्छे से कोट हो जाए इसके ऊपर। इसके ऊपर कोई भी कटिंग चॉपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम शेजवान चटनी यूज़ करेंगे जिसमें गार्लिक है, चिली है। सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा हनी डालेंगे। यहाँ मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, थोड़ा सा मीठा अगर आपको पसंद है तो आप 1/2 टीस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। नटी टेस्ट के लिए थोड़ा सा डालेंगे तिल के दाने, और ये हमारा बिल्कुल बन के रेडी है। इसको आप स्क्यूअर्स पे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, चटनी और सॉसेस के साथ सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।